ग्रीटिंग्स टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर लीनता अरोड़ा असटेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पाटनी गवर्मेंट पी जी कॉलेज बारा राजस्थान टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलगी स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि शेवाल हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे यूजफुल हैं और कैसे हार्मफुल हैं इसकी हमि बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे साइकोलॉजी की बीसवीं शताब्दी में बहुत प्रगति हुई अन्य पात्रों की भांति शैवाल भी प्राणी जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त करने के साथ साथ शैवाल कितने ही अन्य प्रकार के प्राणी जगत की सेवा करते हैं विश्व में नाइन्टी परसेंट प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा संपन्न होता है कुछ शैवाल बहुत लाभदायक होते हैं तथा कुछ हानिकारक होते हैं शैवालों की नियंत्रित वृद्धि मानव की अनेक ज्वलन समस्याएं जैसे खाद्य पदार्थ की गुणता तथा पैदावार उचित जल मिट्टी में उचित जल मिट्टी संरक्षण वाहित मल औद्योगिक औद्योगिक उत्सर्गों के निक्षेपण में सहायक हो सकती है परंतु शेवाल की अनियंत्रित वृद्धि जलाशय महामारी जाल ने समुद्री जहाज़ों के प्रदूषण आदि हानिकारक प्रभाव डालती है आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में एलगी की हानिकारक गतिविधियाँ व लाभदायक गतिविधियाँ दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलगी सिंस फ्रॉम ऑल्डन डेज एलगी स्पीशीज आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग एज ए सोर्स ऑफ फूड मेडिसिन एंड अदर यूजेस एलगी आर टेकिंग एन एक्टिव रोल इन ह्यूमन बीइंग मनुष्य के लिए एलगी भोजन के रूप में वे मेडिसिन के रूप में और इसके कहीं दूसरे उपयोग भी इसके ऑल एलगी के मनुष्य के लिए होते हैं इसलिए ये ह्यूमन बीइंग के लिए के साथ ये एक्टिव पार्ट के रूप में भूमिका निभाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एलगी एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर एलगी आर मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक एरा इस एक्वेटिक एरा में एलगी मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर की भूमिका निभाता है दे आर ऑल्सो यूजफुल इन डिक्रीजिंग वाटर पॉल्यूशन बाई रिलीजिंग ऑक्सीजन ये पानी का जो प्रदूषण होता है उसको भी ये कम करता है ऑक्सीजन को रिलीज करके टेन परसेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अकर्ड बाई द एलगी इन टोटल फोटो सिंथेसिस क्वांटिटी विथ दीज एक्टिविटीज एलगी फॉर्म्स वन पॉइंट सिक्स फिफ्टीन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर ऑफ इलेवन टन्स ऑफ कार्बन मटेरियल लाइक फूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एलगी हमारे लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर की भूमिका तो निभाता ही है साथ साथ ये हमारे लिए भोजन के रूप में भी उपयोगी होता है एलगी एज फूड भोजन के रूप में एलगी एलगी स्पीशीज़ आर यूज एज़ फूड इन सेवरल कंट्रीज़ इन सेवरल फॉर्म्स अनेक कंट्रीज़ में ये भोजन के विभिन्न रूपों में उपयोग में आता है एलगी स्पीशीज़ हैज़ प्रोटीन वाइटाम्स ए बी सी एंड ई लिपिड्स एंड मिनरल्स एल्कल एल्गल स्पीशीज होती है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है विटामिन ए बी, सी और ई e पाया जाता है इसमें लिपिड्स और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं लेमिनेरिया स्पीशीज इज द इम्पोर्टेंट इडिबल सीविड इन जापान एंड फूड आइटम कोम्बो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट जापान में लेमिनेरिया स्पीशीज जो होती है भोजन के रूप में एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है इसके द्वारा वहाँ पर कम्बो नाम का भोजन बनाया जाता है ओनोरी फ्रॉम मोनोस्ट्रोमा आसा नोरी फ्रॉम पोरफाइरा आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज पोरफाइरा हैज थर्टी फाइव परसेंट प्रोटीन फोर्टी फाइव परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन बी सी एंड नियासिन स्टॉक इज यूज एज फूड मटीरियल इन साउथ अमेरिका चीन जापान आदि तटीय देशों में समुद्री घासों को भोजन के रूप में प्राचीन काल से ही उपयोग किया जाता था विश्व पिछले कुछ दशकों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्य समस्या के निवारण के लिए शैवाल अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है जापान जर्मनी अमेरिका में किए गए अनुसंधानों से यह प्रमाणित हुआ है कि शैवाल का पोषणमाम पोषणमान व प्रति इकाई क्षेत्र उपज अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक है पोरफायरा, एलेरिया अल्वा क्लोरेला कॉन्ड्रस रेडिमेरिया लेमिनेरिया सार्गेसम आर्थोथेमस आदि अनेक वंश विभिन्न रूपों में खाए जाते हैं पोरफायरा की जापानों में जापान में खेती की जाती है इसमें प्रोटीन तीस से 35 परसेंट होता है कार्बोहाइड्रेट पचालीस से 45 परसेंट होता है इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए बी, सी और नियसिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यूरोपीय देशों में पोरफायरा का उपयोग एक पिट्ठी के रूप में किया जाता है पेस्ट के रूप में किया जाता है जिसे हम नोरी कहते हैं केवल जापान में ही इस शैवाल की प्रतिवर्ष तीस हजार मीट्रिक टन से भी अधिक मात्रा खाने में काम आती है क्लोरेरा पोषण मान में पोरफायरा से भी अधिक उपयोगी है इसमें प्रोटीन लिपिड वाइटामिन की मात्रा पोरफायरा से अधिक होती है क्लोरेला की पोषकता की तुलना सोयाबीन व पालक के मिश्रण से की जा सकती है क्लोरेला की वृद्धि अत्यंत तीव्र तीव्र दर से होती है कम समय में यह अधिक उपज देती है क्लोरेला का उपयोग इसे सुखाकर पाउडर के रूप में किया जाता है परंतु इसका उत्पादन लागत बहुत अधिक होने के कारण इसका कमर्शियल प्रोडक्शन अभी लाभदायक नहीं है भविष्य में अगर इसका कम लागत आई तो ये हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी होगी कॉन्ड्रस नामक लाल शेवाल की कुछ जातियाँ से प्राप्त जिलेटिनी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पुडिंग के रूप में किया जाता है बीरा बियर उत्पादन में भी इसे स्टेबिलाइज़र या स्थाईकारक तथा निर्मलक के रूप में क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है रेडीमेनिया पामेटा जो लाल शेवाल होती है उससे डलसी नामक लवणीय पाक तैयार किया जाता है साल्टी कन्फेक्शन तैयार किया जाता है स्कॉटलैंड में इसे तंबाकू की तरह चबाया जाता है भारतवर्ष में मणिपुर क्षेत्र में लेमेनिया नामक लाल शेवाल एक स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसे नून हंग कहते हैं लेमिनेरिया सेकेरिना बुरे शैवाल से प्राप्त भोजन कोंबो के नाम से प्रचलित है इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है फिफ्टी सेवन परसेंट इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जेलीडियम कोर्नियम व ग्रेसिलेरिया का उपयोग आइसक्रीम व जेली बनाने में किया जाता है कोडियम मोनोस्ट्रोमा, अलवा आदि कुछ हरे शैवाल सलाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट एलगी एस फोडर फोर केटल्स एल्गी का चारे के रूप में प्रयोग रायोडाइमिया पेलेमेट इज यूज एज फूड फॉर शीप्स इन नार्वे लेमिनेरिया पालविटिया एटसेट्रा स्पीशीज आर यूज एज ए फूड फॉर केटल्स एल्गी कई प्रजातियाँ जो है जानवरों के लिए भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों में अनेक किस्मों के समुद्री शैवाल का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है इसमें फ्यूकस लेमिनेरिया, एस्कोफिलम सार्गेसम मुख्य हैं उत्तरी रोनाल्ड से क्षेत्र में भेड़ों को अधिकांश समय समुद्री घास चारे के रूप में खिलाई जाती है समुद्री शेवालों का चारे के रूप में उपयोग वाइटमिन्स तथा न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट की प्रचुर मात्रा होने के कारण किया जाता है इनके पोषण मान इन्हें सुखाने में भंडारण की विधि पर निर्भर करते हैं शैवाल जो है आधार शंकरा द्वारा भी मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं इसी प्रकार मछलियाँ जो जीव जंतु जो समुद्र में होते हैं उनके भोजन के रूप में भी शैवाल का प्रयोग किया जाता है मछलियाँ मनुष्य के लिए प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत हैं और मछलियाँ समुद्र में क्या खाती हैं शैवालों को भोजन का रूप में प्रयोग करती हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैवाल हमारे भोजन के रूप में उपयोग में आते हैं फोर्थ पॉइंट है एलगी एज फर्टिलाइजर्स एलगी का फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग ब्लूग्रीन एल्गी आर ट्रीटेड एज बायो फर्टिलाइजर्स फ्रॉम ओल्डन डेज ब्लूग्रीन एल्गी पुराने जमाने से ही बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में आता है स्टूडेंट्स आपने आसपास आपके चावल के खेत देखे होंगे चावल के खेतों में किसान जो हैं उनकी उपज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं उसके अंदर ग्रीन एल्गी एनाबिना नॉन स्टोक साइटोनीमा इस्पायलिना आदि इसमें डालते हैं जिसे हम लोकल भाषा में क्या कहते हैं काई या कंजी काई या कंजी का प्रयोग चावल के खेतों में करने पर उसमें क्या होता है उनका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों नाइट्रोजन के फिक्सेशन को करना जब वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये नाइट्रोजन चावल को चावल के प्लांट्स को राइस प्लांट को प्राप्त होती है और इससे चावल के खेतों में क्या होता है उपज बढ़ती है तो ये पुराने ज़माने से ही काई या कंजी का प्रयोग चावल के खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है नोस्टोक ऑसिलोटोरिया साइटोनिमा इसपायलिना एट्सेट्रा आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर टू राइस फील्ड्स नॉस्टोक ऑसिलोटोरिया साइटोनिमा, स्पाइडना एनाबिना ये सब चावल खेतों में बायोफर्टिलाइजर के रूप में उपयोग में आते हैं ऑल दीज एलगी आर फिक्स द एटमॉस्फ़ेरिक नाइट्रोजन इन द ग्राउंड ये सब एलगी क्या करती हैं इन एलगी में क्या पाया जाता है बच्चों हिट्रोसिस नामक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसका मेन फंक्शन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना ये एटमोस्फिर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और यही एटमोस्फरिक नाइट्रोजन चावल के प्लांट को प्राप्त होती है कल्टिवेशन ऑफ स्पायरोलिना इज गेंड इम्पोर्टेंस एज फ्यूल इम्पोर्टेंस एज फीड फॉर फिश पोल्ट्री एंड केटल इस्पेलाइज के कल्टिवेशन करते हैं हम जो ये फिश के फीड के रूप में पोल्ट्री के रूप में और केटल के रूप में केटल के लिए काम में भोजन के रूप में काम में आता है एक बार बच्चों में फिर रिपीट कर रही हूँ धान के खेतों में हरी शैवाल प्रमुख नाइट्रोजन स्त्री कारक के रूप में काम आती है एनाबिना टोइलेपोथ्रिक्स एलोसिरा ऑसिलेटोरिया ओसीटोरिया साइटोनिमा आदि हरी शैवाल में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है अब प्रयोग द्वारा भी ये स्थापित हो चुका है कि धान के खेतों में नील शैवालों का संरोपण इनोकुलेशन करने से पैदावार तीस परसेंट तक बढ़ाई जा सकती है बड़े आकार के भूरे व लाल शेवालों का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है ऑर्गेनिक मेन्यूर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होती है इसी तरह भूरे शैवाल की तुलना में शैवाल अधिक लाभप्रद उर्वरक है शैवाल वे भूरे शैवाल के उचित मिश्रण का उपयोग उर्वरक के रूप में करने करके विकासशील देशों में उर्वरक की समस्या काफी हद तक हल की जा सकती है आयरलैंड में फ्यूकस को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है भारतवर्ष में पाम की जड़ों के चारों ओर टर्बिनेरिया डाला जाता है राजस्थान में सांबर लेक जो सांबर सॉल्ट लेक है इसमें एनाबिनोपसिस स्पायोलिना आदि शैवाल उगते हैं जिन्हें किसान खाद के रूप में प्रयोग करते हैं नेक्स्ट है एलगी इन कल्चर सी एलगी आर यूज एज फूड फॉर फिशेज समुद्री शैवाल जो है समुद्री जानवर फिश जो है इनके भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है सो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पीसी कल्चर इसलिए ये पीसी कल्चर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सम ग्रीन एल्गी डाइटम्स सम ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूज एज फूड मटेरियल टू फिशेज कुछ ग्रीन एल्गी हरिश डाइटम्स कुछ निरहरिश फिशेस के फूड मटेरियल के रूप में उपयोग में आते हैं दीज आर आल्सो मेकिंग द वाटर क्लीन बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन इसके साथ साथ ये पानी को शुद्ध करते हैं ये ऑक्सीजन को रिलीज करके नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है एलगी इन रिक्लेमेशन ऑफ एल्केलाइन और ऊसर सॉइल आवर कंट्री हैज़ मोर नंबर ऑफ एल्केलाइन सॉइल और स्ट्राइल सोयल हमारे देश में कई जगह पर एल्केलाइन या स्ट्रेलाइन स्ट्राइल सोइल है जहाँ पर कि कोई फसल आसानी से लग नहीं पाती है ब्लूगिनल्गी लाइक नोस्टोक ऑसिलोटोरिया साइटोनीमा इस्पायलना आर मोडिफाइड द सोइल इन फर्टाइल सोइल नीलरिश्यवाल नॉस्टोक ऑसिलोटोरिया साइटोनीमा और स्पोरेना जो इस्पायलिना जो होते हैं ये जितने भी इस्टाइल सोइल होते हैं ये उसको फर्टाइल सोइल में कन्वर्ट करती है जब ये सॉइल फर्टाइल हो जाएगी तो हम इस पर कोई भी फसल आसानी से उगा सकते हैं इस तरह से ये भूमि के उद्धार में काम आती है बिकॉज दे फिक्स नाइट्रोजन इन द सोइल क्योंकि ये सोइल में नाइट्रोजन को फिक्स करती है नियर बाय दे फिक्स 400 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर ईयर सोइल इरोजन इज ऑल्सो रिड्यूस बाय दीज एल इसकी वजह से सोइल इरोजन भी रिड्यूस होता है इसको मैं बच्चों एक बार फिर रिपीट करती हूँ भारत व अन्य देशों में बहुत सी खेती बहुत सॉरी भारत व अन्य देशों में बहुत सी भूमि खेती के योग्य नहीं होती है इसे ऊसर भूमि कहते हैं या स्टाइल लैंड कहते हैं इस भूमि का पीएच अधिक होता है भूमि में कार्बनिक पदार्थों की बहुत कमी होती है साथ ही भूमि में जल धारण क्षमता समाप्त हो जाती है यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज की समाप्त हो जाती है वैज्ञानिक आर एन सिंह तथा कुछ अन्य शेवाल वैज्ञानिकों के प्रयोग से सिद्ध हो गया कि ब्लूगिन एलगी नॉस्टोक एनाबिना एलोसिरा साइटोनिमा आदि ऐसी भूमि को खेती योग्य बना सकते हैं इन शेवालों के लिए अधिक पीएच वाला माध्यम उपयुक्त होता है ऊसर भूमि के उद्धार के लिए किसी खेत में एक निश्चित टुकड़ा निश्चित आकार का चुन लिया जाता है इस टुकड़े को वाटर लॉक्ड कर दिया जाता है जलाक्रांत कर दिया जाता है इसमें नील शैवालों को उगाया जाता है इसके पश्चात भूमि की पीएच कम हो जाती है और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जलधारित क्षमता भी बढ़ जाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी बढ़ जाती है और ये भूमि एक उपजाऊ भूमि में बदल जाती है यानी कि यह फर्टाइल लैंड बन जाती है सेवन्थ पॉइंट है अपना एलगी इन इंडस्ट्री आयोडीन इंडस्ट्री इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन एलगी आयोडिन इंडस्ट्री जो है मेनली एलगी पे डिपेंडेंट होती है एलगी बिलोंगे बिलोंगिंग टू फ्योफाइसी लाइक लेमिनेरिया एकोलोनिया एसनिया एटसेट्रा आर यूज इन द इंडस्ट्री टू प्रिपेयर आयोडीन इन इंडस्ट्रीज फाइलोफोरा इज यूज टू प्रिपेयर आयोडिन इन रशिया जापान आदि जापान लगभग सौ टन आयोडीन प्रतिवर्ष का उत्पादन भूरे शैवालों जैसे नेबिलेरिया, एस्निया फ्यूकसी कुछ जातियों से करता है इन शैवालों में सोडा व पोटाश भी अधिक मात्रा मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा मेकासिस्टिस नीरोसिस्टिस एलेरिया से पोटाश निकाला जाता है इसके अलावा समुद्री शैवालों को जलाकर जो राख प्राप्त होती है उसके द्वारा क्षार बनाए जाते हैं इन क्षारों का उपयोग एल्केलाइंस का उपयोग एल्केलाइंस का उपयोग किस में होता है साबुन में फिट फिटक्री बनाने में किया जाता है रोडोफाइसी के रोडोमिनिया तथा पॉलीसाइफिना से डोमिन को निकाला जाता है फोरसेलिया फास्टीमेटा नामक लाल शैवाल से फोर प्राप्त होता है जो जेली और मुरब्बा में प्रयुक्त होता है डायटोमाइट डाइटम्स नामक शेवाली कोशिका वित्तीय के निक्षेपण से जो प्राप्त पदार्थ प्राप्त होता है इन्हें डायटम्स जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं इनका उपयोग शक्कर निर्माण में साबुन निर्माण में किया जाता है केरेगिनिन ये रोडोफाइसी जैसे कॉन्ड्रस आदि से प्राप्त होता है ये एक जटिल पोलो है केरेगिनिन का उपयोग मतकरण दंत मंजन के पेस्ट बनाने बेकरी उद्योग पनीर फलों के रस कागज कपड़ा उद्योग व रंग बनाने में किया जाता है अब है नेक्स्ट एल्जिनेट्स। एल्जिनेट्स आर द सोल्ट ऑफ एल्जीनिक एसिड found in the cell wall of pheophyse. Alginates are extracted from fucus, laminaria, macrocystis and echelonia. Alginates are used in the preparation of flame proof fibrous plastics, paints, gauze, gauze material in surgical dressing, soup, ice cream etc. एल्जीनेट इसका मुख्य स्रोत भूरे शैवाल जैसे लेमिनेरिया, आदि हैं, जिनकी मध्य तथा प्रारंभिक भित्ति से चौदह से चालीस परसेंट तक एलजीनिक अम्ल प्राप्त होता है गुलनशील कैल्शियम लवण को एल्बिन कहते हैं तथा अगुलशील भाग को एल्जीनिक अम्ल कहते हैं एल्जीनेट का उपयोग कपड़े की छपाई रबड़ उद्योग आइसक्रीम बनाने औषधि ड्रेसिंग पदार्थ बनाने रक्तस्ताव रोकने वैशल्य चिकित्सा में किया जाता है इसके अलावा इसका उपयोग प्लास्टिक उद्योग अग्नि निरोधक वस्त्र बनाने सौंदर्य प्रसाद बनाने सौंदर्य प्रसादन बनाने में और बिल्कुल पेंट्स गोद मटेरियल सूप आइसक्रीम आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है बच्चों नेक्स्ट इसी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में आपको आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी थैंक यू सो मच बच्चों एट्थ पॉइंट तक मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है नाइन पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी थैंक यू सो मच बच्चों थैंक्स ए लॉट